Hey, this is your friend ship sailor Salim. My passion is sea sailing and ships. Please watch my videos and also subscribe my YouTube channel. Hello friends, welcome back to my YouTube channel ship sailor Salim. तो friends कैसे हैं आप लोग? I hope सब लोग बहुत अच्छे होंगे. तो friends बहुत लोगों ने question किया था क्या अगर knock knee की problem है या उनका flat foot का problem है तो क्या वो merchant navy join कर सकते हैं या नहीं join कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सारी डिटेल्स में देने वाला हूँ. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप करे हुए, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ बताऊँगा नॉक नी के बारे में, फ्लैट फुट के बारे में और सिक्स फिंगर के बारे में. तो आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा और कुछ भी डाउट्स होगा तो आप बाद में पूछिएगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉक नी क्या होता है. तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नॉक नी में जो हमारे घुटने होते हैं दोनों, वो दोनों टच रहते हैं. आप फिगर देख सकते हैं, पिक देख सकते हैं कैसे रहते हैं, सेम ऐसे ही रहता है. अब फ्रेंड ये होता है, इसमें दो होता है, इसको हम लोग गेनू वेरम बोलते हैं जिसमें घुटने हमारे दूर रहते हैं, और गेनू वेलगम बोलते हैं जिसमें जिसको हम नॉक नी बोलते हैं. यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारा ये नॉर्मल है, नॉर्मल का नी लेग कैसा रहता है, फिर बो लेग होता है जो दूर रहता है, और नॉक नी जो कि घुटने पास रहते हैं. फ्रेंड्स आप इस फिगर में देख सकते हैं कैसे अलाइनमेंट हुआ है. नॉर्मल अलाइनमेंट देख लीजिए, बोलेक्स का देख लीजिए और नॉक नी का देख लीजिए, सेम ऐसा ही रहता है. तो फ्रेंड अब मैं बताऊंगा मर्चेंट नेवी पे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो साफ साफ यहाँ लिखा है नो नॉकिंग नीज, फ्लैट फुट एंड नॉकिंग एल्बोज आर नॉट एक्सेप्टेबल इन मर्चेंट नेवी. और फ्रेंड्स ये मैंने एक और वेबसाइट पर भी चेक किया था, यहाँ भी साफ साफ दिया हुआ है बोलेक्स, नॉक नीज, फ्लैट फीट, डेफॉर्मिटी ऑफ, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी है. डिसक्वालिफिकेशन अगर आपके पास, अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, नॉक नी है या आपका बोलेक्स है या फ्लैट फीट है, कुछ भी है, तो आप मर्चेंट नेवी में नहीं अलाउ है. और फ्रेंड्स अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जो इसका ट्रीटमेंट होता है आप ये पढ़ सकते हैं. देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है. बहुत लोग इसकी सर्जरी कराते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि ये बचपन से होता है, जब आप छोटे रहते हैं अगर उसी टाइम ये कंट्रोल कर लें तो कर सकते हैं. बाकी आगे आप डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो जैसा बोले आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं. बहुत लोग सर्जरी करवा लेते हैं, बहुत लोग जिसका थोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो वो एक्सरसाइज से भी ठीक हो जाता है. बहुत सारे इक्विपमेंट भी आते हैं जिसको यूज़ करके जो है नॉक नी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है. और फिर नॉक नी मर्चेंट नेवी में बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे चलोगे या रन करोगे तो आप गिर जाओगे और एक्सीडेंट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे फ्लैट फुट. फ्लैट फुट क्या होता है फ्रेंड्स, आप फिगर में देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फ्लैट फुट, नॉर्मल फुट, क्लॉ फुट क्या है, सारी डिटेल्स आप फिगर में देख सकते हैं, आप समझ जाएंगे. अब नेक्स्ट फिगर में आप देखिए आपका जो नॉर्मल फुट होता है उसका जो फुट का नीचे का पार्ट होता है वो देखिए गैप होता है इसमें, और फ्लैट फुट बिल्कुल बराबर होता है, और जो होलो फिट होता है वो थोड़ा उठा हुआ होता है. तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस होता है. तो हमारा जो फ्लैट फुट होता है वो भी मर्चेंट नेवी में अलाउ नहीं होता, क्योंकि फ्लैट फुट से आप जो है स्लिप करने के बहुत चांसेस होते हैं अगर आपका फ्लैट फुट है तो, और या फिर बहुत ज़्यादा हाई आर्च है तो भी आपको मतलब प्रॉब्लम होगी शिप पे. तो इसलिए फ्लैट फुट वालों को भी मर्चेंट नेवी में अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि जब उनका पूरा फुट जो है फ्लैट होता है तो स्लिप करने में बहुत जल्दी स्लिप हो जाते हैं वो, और भी उनको चलने में प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी डिफ़िकल्टीज होती है. अब देखिए ये हमारा नॉर्मल पैर ऐसा होता है, फुट देखिए बिल्कुल थोड़ा आर्क टाइप में होता है, इसका आर्क ऐसा रहेगा तो ये हमारा नॉर्मल है. और इसके लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे अब ये फिगर देख सकते हैं इसमें ये कुछ इक्विपमेंट है, इससे जो आपको फ्लैट फुट को सही करने के लिए अपना इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स फ्लैट फुट के लिए भी आप जो है मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको अपना, बहुत लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं फ्लैट फुट का भी, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं उसको यूज़ करके फ्लैट फुट ठीक किया जा सकता है, या डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं. बाकी ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो बचपन से ही अगर आपको है तो उसी टाइम पे अगर आपको उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो वो ठीक हो जाती है, नहीं तो बाद में फिर वो बहुत प्रॉब्लम करती है. बाकी ऑनलाइन आप बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो यूज़ कर सकते हैं फ्लैट फुट को जो है थोड़ा ठीक करने के लिए. बाकी जो भी डॉक्टर हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, वो ज़्यादा बेटर आपको बता देंगे. तो फ्रेंड्स फाइनली मैं ये बताऊंगा कि फ्लैट फुट भी अलाउ नहीं होता है मर्चेंट नेवी में. अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं सिक्स फिंगर.
नॉर्मली तो हमारे सिक्स फाइव फिंगर्स होती है, बट अगर आपको सिक्स फिंगर है तो उसमें मर्चेंट नेवी अलाउ करता है कि नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर या जो कंपनी का मेडिकल ऑफिसर है उसके ऊपर, जो आपका मेडिकल लेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सिक्स फिंगर को इतना वो नहीं होता प्रॉब्लम। अगर आप अपने सिक्स फिंगर से काम कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका मतलब आपको कंपनी ले सकती है, बट कुछ कंपनियाँ नहीं अलाउ करेगी। तो इसके लिए आप डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर से मिल सकते हो, उससे मतलब बात कर सकते हो मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो सिक्स फिंगर का क्या है, वो अलाउ भी कर सकती है नहीं भी अलाउ कर सकती है, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर और आप मतलब कितना फिंगर है कैसा है आप उसे अच्छे से काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ये बताऊँगा कि फ्लैट फुट, नॉक नी और सिक्स फिंगर, इन तीनों में फ्रेंड्स अगर आपका फ्लैट फुट और नॉक नी वालों को तो बिल्कुल भी नहीं अलाउ करेगी कंपनी, क्योंकि उससे आपका एक्सीडेंट होने का चांस है तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी। जिसका सिक्स फिंगर है तो उसको शायद अलाउ कर सकती है, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। और फ्रेंड्स अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो तो डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर से आप बात करिए, उसके पास जाइए, उससे मिलिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, देन वो आपको और भी अच्छे से डिटेल्स में समझा देगा। और फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है जितनी भी डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर की लिस्ट है उसके PDF का लिंक दे दिया है, तो आप जहाँ भी रहते हैं किसी भी स्टेट में आप उसको ओपन करके देखेंगे तो आपके एरिया में जो भी पास में डॉक्टर होगा आप उसको कॉल करके बात कर सकते हैं और उससे मिल करके आप अपनी सारी प्रॉब्लम उसे शेयर करके आप उससे सॉल्यूशन ले सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है नॉक नी फ्लैट फुट के जो मतलब इक्विपमेंट्स हैं आप जिसको यूज़ करके थोड़ा अपना बेटर कर सकते हैं तो वो भी आप मतलब उसका लिंक्स दिया हुआ है, आप लिंक पे जाइए वो परचेस कर सकते हैं, बट डायरेक्ट मत परचेस करिए, पहले आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, हड्डियों के डॉक्टर से या फिर जो एक्सरसाइज वाले डॉक्टर होते हैं जो एक्सरसाइज कराते हैं उनसे आप कंसल्ट कर लीजिए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कैसे ठीक होगा क्या है उसका, फिर आप उसको परचेस करिए। तो फ्रेंड्स फाइनली बस ये बताऊंगा कि नॉक नी और फ्लैट फुट को तो 99% मर्चेंट नेवी में अलाउड नहीं है, बाकी अगर थोड़ा ही है तो आप उसका ट्रीटमेंट करवा के मेडिकल करवाइए, अगर एक्सेप्ट होता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और वैसे मेरा मानना है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल ही मत ज्वाइन करिए, क्योंकि फ्रेंड्स पूरी शिप आयरन की होती है और अगर आपका एक्सीडेंट होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप मर्चेंट नेवी मत ज्वाइन करिए और अपना यहीं पर ही अपना कोई प्रोफेशन ढूंढिए। मर्चेंट नेवी के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं वो आप चूज़ करिए, क्योंकि अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है तो मर्चेंट नेवी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं डेली, जो नॉर्मली फुल फिट बंदे होते हैं उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो अगर आपको नॉक नी और फ्लैट फुट जैसी प्रॉब्लम है तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए ऐसे लोग प्लीज़ मर्चेंट नेवी मत ज्वाइन करें। बाकी अगर उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो DG अप्रूव डॉक्टर से मिल सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वो जो बोले वैसा करें। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे उनको आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट हो मर्चेंट नेवी से रिलेटेड या इस वीडियो में जो देखा उससे रिलेटेड तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाइए मुझे फॉलो करिए और वहाँ पर भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे होम स्टे सेफ।